बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 24 घंटे में पहली बार देश में 2200 से ज्यादा मौतें, अब तक का सबसे ये रिकॉर्ड आंकड़ा है मौत का। एक दिन में देश में महामारी से 2256 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा मौतें हैं ये। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें, 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 306 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 568 लोगों की मौत हुई है। हालात बेहद खराब है, इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं सावधानी बरतिए और कोरोना के खिलाफ जंग में जो एहतियात है उसका पालन करिए ताकि जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू पाया जा सके। तो एक दिन में देश में महामारी से 2256 लोगों की मौत और लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्थिति काफी खराब और काफी विकट है। और 24 घंटे में जैसा हमने आपको बताया, देश में एक बार फिर से रिकॉर्ड संख्या में केस सामने आए हैं। एक दिन में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में फिर एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा मामले। केरल में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं काफी तेजी के साथ, यहां पर भी संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है। तो यूपी में 24 घंटे में सबसे ज्यादा अभी तक के मामले हैं 34,000 से ज्यादा मामले। तो केरल में भी काफी तेजी के साथ मामलों में इजाफा हो रहा है और लगातार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 67,000 से ज्यादा केस एक बार फिर से रिकॉर्ड किए।